हेलो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने कर्नाटका बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कर्नाटका बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को एक्सप्लेन किया था कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस आप लोगों को देने होते हैं। दोस्तों उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि मैं कर्नाटका बैंक के ऊपर पार्ट टू लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कर्नाटका बैंक कैसा बैंक है, क्या आप लोगों को कर्नाटका बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कर्नाटका बैंक के टोटल ब्रांचेस कितने हैं इंडिया में, इसके अलावा कर्नाटका बैंक के कितने ATMs हैं टोटल इंडिया में। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कर्नाटका बैंक ने 2023 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, इसके अलावा कर्नाटका बैंक का कितना एसेट्स वैल्यू है। इन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कर्नाटका बैंक कैसा बैंक है। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि कर्नाटका बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मैंगलुरु यानी कि कर्नाटका में है। दोस्तों अगर हम बात करें इसमें पैसे सुरक्षित होने की, तो दोस्तों कर्नाटका बैंक DICGC से इंश्योर होता है। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप कर्नाटका बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और कर्नाटका बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5,00,000 रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों कर्नाटका बैंक जिस हिसाब से ग्रोथ मोड में है इस समय, तो उस हिसाब से हम ये जरूर कह सकते हैं कि कर्नाटका बैंक डूब ही नहीं सकता है। दोस्तों वैसे अगर डूब जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर हम कर्नाटका बैंक के ब्रांचेस की, तो कर्नाटका बैंक का टोटल जो ब्रांच है वो है 913। दोस्तों वहीं पर अगर आप कर्नाटका बैंक के वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो कर्नाटका बैंक ने वहां पर ये मेंशन किया है कि यहां पर 904 ब्रांचेस हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो आंकड़ा लगाया गया है वो 913 ब्रांचेस का आंकड़ा लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ATMs की, तो यहाँ पर कर्नाटका बैंक के टोटल 1188 ATMs हैं। दोस्तों थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कस्टमर बेसिस की बात करें, तो यहाँ पर कर्नाटका बैंक के टोटल 13 मिलियन कस्टमर्स हैं। दोस्तों आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटका बैंक कैसा बैंक है और ये कितना बड़ा बैंक है। बात करें दोस्तों अगर हम टोटल एसेट्स वैल्यू की, तो इनका जो टोटल एसेट्स वैल्यू है वो है 12 बिलियन का दोस्तों। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें कि इन्होंने 2023 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो दोस्तों इन्होंने 2023 में 1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है दोस्तों। और अगर हम नेट इनकम को देखें, तो यहाँ पर इन्होंने 2023 में 150 मिलियन की कमाई की है। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि कर्नाटका बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।